गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा कंटेंट है, जिसके विषय में हमें ज्ञान प्राप्त करना है, योगा के संदर्भ में, योगा क्या है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसके संदर्भ में जो प्राइमरी लेवल पर उसकी जो महत्ता है उसके बारे में हमें समझना है कि वह क्या है। चलिए मैं आपके पास शेयरिंग के माध्यम से आता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही शेयर होगा आप बता देंगे हाँ शेयर दिख रहा है, मैं जब पूछूंगा तब, अगर नहीं दिखेगा तो आप बता सकते हैं। ओके चलिए मैं शेयरिंग के माध्यम से आपके पास आ रहा हूँ और आज योगा के बारे में पढ़ते हैं। योगा क्या है और योगा किस प्रकार से हमारी सभी आज की स्थितियों के संदर्भ में सभी जो कष्टप्रद स्थिति है उसको कैसे दूर करता है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या उपलब्धि है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं एक बार चेक कर लूँ। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि योगा क्या है और प्राइमरी लेवल पर उसके क्या महत्व है। मैं शेयरिंग के माध्यम से आपके पास आ रहा हूँ। चलिए अब मैं शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए और बने रहिए। और यही इसी के माध्यम से हम ये देख पाने में सक्षम होंगे कि योगा की स्थिति आज के इस वैज्ञानिक युग में कितने महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ देखी जा सकती है। विद्यार्थी जी आपको शेयर हो रहा है, जरा देख कर बताइए। आप सभी को जी दिख रहा है सर, ना? चलिए धन्यवाद। जी मेरी सर, आवाज फ्रेश आ रही है ना? मेरी आवाज फ्रेश आ रही है ना? मेरा ऑडियो जी, चलिए चलिए अब सुनिए, ध्यान से एकाग्रता के साथ सुनिए, योगा के बारे में पढ़िए। देखिए विद्यार्थी जी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपका कौन सा सिलेबस का कौन सा टॉपिक है। तो ये आपका S5 है, इसमें आपका जिसको इसमें आपको फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। तो फिजिकल एजुकेशन में ही पढ़ना है आपको, विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा, जिस सिलेबस यूनिट 3 का जो यह पार्ट है, जिसमें विद्यालय में योग के बारे में बताना है कि इसकी अवधारणाएं क्या है और प्राइमरी लेवल पर इसका क्या महत्व है, विद्यालय स्तर पर इसके क्या महत्व है, जिसके आधार पर इसके बुनियादी ढांचों के आधार पर आज के स्वास्थ्य व्यवस्था में जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से जो भी बीमारियां पैदा हुई है या फिर जो बीमारियां हमारे वर्तमान समय में देखी जा रही है, जो या फिर COVID-19 हुई या फिर अन्य बीमारियां एक्समा वगैरह जो भी हो गया, उस सब के दूर करने के लिए, उस सभी को दूर करने के लिए और एक बेहतर इलाज के लिए आज के समय में योगा की जो स्थिति है पूरी तरह से प्रासंगिक दिखती है। जिस तथ्य के आलोक में आप योगा करेंगे, योगा के भावनाओं के बारे में समझेंगे, इसके प्राचीन व्यवस्थाओं के बारे में समझेंगे, तो आपको लगेगा कि सच में योगा के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है और योगा किस प्रकार से आपके जीवन शैली में बदलाव ला सकता है और किस प्रकार की भावनाओं का आप में विकास कर सकता है। तो योग शिक्षा के संदर्भ में, शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में और उसके माध्यम से स्वस्थ जीवन के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के निखारने के संदर्भ में। तो जो आपका टॉपिक है S5 का यूनिट 3 में देखेंगे योग अवधारणा एवं महत्व। तो चलिए विद्यार्थी जी मैं चलता हूँ, टॉपिक आपका हो गया कंसेप्ट ऑफ योगा एंड इट्स इंपॉर्टेंस एट प्राइमरी लेवल, योग की अवधारणा एवं प्राथमिक स्तर पर इसके क्या महत्व है। तो सबसे पहले ये जानिए विद्यार्थी जी कि इसकी अवधारणाएं क्या है। तो सबसे पहले आपने सुना होगा पतंजलि का नाम, जो सबसे प्राचीन महर्षि पतंजलि जो योग के ज्ञाता थे, योग के बारे में उन्होंने बहुत सारे अपने दार्शनिक विचारों को दिया, बहुत सारे तथ्यों को सामने लाया जो आज आप इस आधुनिक युग में योग के संदर्भ में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि आज की दुनिया जिस तरह से दौड़ती हुई समाज को पकड़ने की कोशिश कर रही है या फिर दौड़ भाग की जिंदगी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, उस स्थिति में योग की स्थिति जो है आज समाज में प्रासंगिक हो रही है और देखने को मिल रहा है कि योग के माध्यम से बहुत सारे कष्टों को दूर किया जा सकता है, दुख को दूर किया जा सकता है, जो शरीर का मैला चीज है, जो गंदगी है शरीर में, उसको बाहर किया जा रहा है। जो काम जो डॉक्टर्स बेहतर से बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, वह योग के माध्यम से बहुत ही असाधारण से असाधारण बीमारी भी ठीक हो पा रहा है। तो जो कंसेप्शन है उसको देखते हैं, तो फिर उसको पढ़ेंगे कि योगा का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो सबसे पहले जाने इसकी अवधारणाएं क्या है। तो अवधारणाओं के संदर्भ में आप सभी को दिख रहा है, चलिए अवधारणाओं के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि भारत आपने पढ़ा है भारतीय आध्यात्मिक साधना। तो आध्यात्मिक स्पायरिचुअलिज्म जो है, जो स्पायरिचुअलिज्म है, इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात की जाती है, जिसमें ईश्वरीय ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान बोध का ज्ञान कराया जाता है। इस संदर्भ में जो योग की साधना है, अंतर्मन को, अंतर्मुखी व्यवस्था को, तन मन को शुद्ध करता है और आप में जो भी कष्ट है, जो भी आपके शारीरिक कष्ट है, उस सभी कष्टों को दूर करने की चेष्टा करता है। तो यह हमें अवधारणा के माध्यम से देखने को मिलेगा। जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार आप योग शब्द को देख ले तो यह प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। जो अनम्यूट है वो सर म्यूट हो पेज जाए, नहीं दिख रहा है। हाँ पेज नहीं दिख पा रहा है आपको? चलिए अब दिख पा रहा है, देखिए। तो सर, हम लोग को तो दिख रहा है।
हाँ तो हो सकता है जिनको नहीं दिख पा रहा थोड़ा सा फिर, हाँ तो आप अगर नहीं दिखता हो तो फिर से रीज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हो, ठीक है। हाँ तो भारतीय आध्यात्मिक साधना की परंपरा के अनुसार देखें तो एक शब्द की उत्पत्ति यहाँ से नहीं है, बहुत प्राचीन समय से देखी जा सकती है। एक और जो साध्य है, साध्य का मतलब होता है विद्यार्थी एचिएबल या प्रोवाइबल, यानी इसको बोल सकते हैं साध का मतलब जिसका साधन हो सके, सहज या सुगम, यानी आपके लिए क्या साधन हो सके, आपके लिए क्या सुगम हो सकता है। तो सुगम आप व्यक्ति हैं तो आप क्या हो गए, पूरी तरह से साधक हो गए, साधना, और साधन आपके लिए क्या हो गया, योग हो गया, जिस योग के माध्यम से आप अपने जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। तो साध्य हो गया जो प्राप्त करने वाला हो, जिसका साधन हो सके, सहज हो सके, सहजता के साथ प्राप्त कर सके, सुगम हो सके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एचिएबल या प्रोवेबल। तो आप देख सकते हैं साध्य के संदर्भ में, इससे पहले ही मैंने सब शायद कभी चर्चा की हो, तो यही लिखा हुआ है कि योग शब्द का योग शब्द जो है इसके योग और साध्य मंजिल लक्ष्य आदि संदर्भों का वाचक है। वाचक मतलब होता है विद्यार्थी जो ले जाने वाला हो, जो बोलने वाले बोलने वाले बोलने की स्थिति में हो, सुगमता के साथ देखा जा सकता हो, तो जो आपके बारे में जो तथ्य है उसके बारे में समझाने की चेष्टा करता हो। तो इन संदर्भों में योग जो है एक साधना के रूप में आप जो एक साधक हैं उसका उसको अपनाते हुए अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो उसके अलावा इसमें और चीज लिखा हुआ है, दूसरी ओर एकदम ध्यान से सुनिए, दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो यह साधन जो योग है, जो हमारे लिए साधन है कष्टों को दूर करने के संदर्भ में, साधन मार्ग उपाय आदि संदर्भों का भी वाचक है कि किस मार्ग से होते हुए, किस उपाय से होते हुए, किन साधनों की व्यवस्था से होते हुए आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आप इस भागदौड़ की जिंदगी में आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कर सकते हैं, अपने जो शरीर के जो शारीरिक कष्ट है, जिस कष्ट के अभाव में आप कोई काम नहीं कर पाते हैं, उन कष्टों को कैसे आप दूर कर सकते हैं, माफी चाहता हूँ, कर सकते हैं। तो इन शब्दों में जो आपके लिए जो साधन है, जिस साधन का इस्तेमाल करते हुए आप अपने जो उन उपायों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने मार्ग को प्रशस्त करते हैं और बेहतर बनाते हैं, इस संदर्भ में योग की अवधारणा देखी जा सकती है। और देखिए इंडियन फिलोसफी में देखा जा सकता है कि भारतीय दर्शन में जो योग का महत्व है, आप जब दर्शन पढ़ेंगे, फिलोसफी पढ़ेंगे, तो दर्शन क्या है, ज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। तो आप जब दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, आपको मिलेगा भी देखने को कि भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति। यानी आपने सुना भी होगा, बौद्ध दर्शन पढ़ा होगा, जैन धर्म पढ़ा होगा, माफी चाहता हूँ, बौद्ध दर्शन जैन दर्शन पढ़ा होगा, तो उसमें आपको देखने को मिला होगा कैवल्य, उसके अलावा परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ये सब चीज देखने को मिला होगा, किस प्रकार से उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर वो ज्ञान प्रदान करते हैं, फिर अंत में मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसरित हो जाते हैं। उसी प्रकार योग के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं भारतीय दर्शन के अनुसार। अब भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य यही हो सकता, यही कहा गया है कि मुक्ति की प्राप्ति है, कि आप किस प्रकार से मुक्ति की प्राप्ति हो सके। उसके अलावा हमने भी बताया, उसके अलावा जो योग दर्शन है, बौद्ध दर्शन है तथा जैन दर्शन में जो कैवल्य है, मैंने बताया ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में, निर्वाण ज्ञान देने के संदर्भ में, और जो मोक्ष शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो एक ही संदर्भ में भारतीय दर्शन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के संदर्भ में देखा जा सकता है। तो योग की जो अवधारणा है आज से नहीं है, प्राचीन समय से ही चली आ रही है, महर्षि पतंजलि के जो भी योग से संबंधित जो भी चीजें बताई गई है, जो आज समाज में देखने को मिल रही है, उसको लोग अपना कर अपने जो है शारीरिक कष्ट को दूर कर रहे हैं, अपने मन की जो गंदगी है उसको दूर कर रहे हैं, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने की चेष्टा कर रहे हैं, यह योग के माध्यम से ही हो सकता है, ध्यान के माध्यम से ही हो सकता है। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि योग से तात्पर्य इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि उसकी जो साधक और साधन की वाली जो व्यवस्था है, कि किस प्रकार से उसकी व्याख्या अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार से लोगों के माध्यम से सुनी जा सकती है। अभी जो आप देख रहे हैं, अभी योग की जो साधना चल रही है अपने आधुनिक समय में, जो रामदेव बाबा के बारे में आपने सुना है, टीवी चैनल पे, आस्था चैनल पे आता भी है, तो योग के माध्यम से वो देश दुनिया को स्वस्थ करने पर लगे हुए हैं, ताकि कम से कम दवाओं का इस्तेमाल करते हुए जीवन की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, जीवन के कष्ट दूर किया जा सके, और जो भी घटनाएं हैं जो शरीर से आज के इस प्रासंगिक प्रदूषण वाले शहर में, प्रदूषण वाली व्यवस्था में, जो मनुष्य बहुत तेजी से बीमारियों की ओर अग्रसरित हो रहा है, जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से जो बीमारियां हमको मिल रही है, उन बीमारियों को दूर करने के लिए सबसे योग की जो अवधारणाएं हैं पूरी तरह से तथाकथित सत्य की ओर अग्रसरित होती है। तो आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि उसमें जो विशिष्टताएं हैं, उसमें जो उसके जो व्याख्यान करने की व्यक्तियां हैं, जो विशिष्टताएं हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, और उस व्याख्यान के माध्यम से
योग की अवधारणाओं को समझा जा सकता है। और जो मान्यताएं हैं, साधक की मतलब मान्यता मैंने अभी जो बताया कि किस प्रकार से आपको कोई चीज सुगम सहज और मानसिक संतुलन के संदर्भ में बताया जा सकता है, तो ये बात बताने की चेष्टा की गई है कि जो आपके अंदर विशिष्टताएं हैं उस विशिष्टताओं को आप जानने की कोशिश करें योग के माध्यम से। जब आप योग करेंगे तो मन में चिंतन मनन की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, इंद्रियों को आप वश में कर पाने में सक्षमता प्रदर्शित करने लगेंगे, साथ ही साथ जो आपके अंदर की छुपी हुई जो शक्तियां हैं वो बाहर निकल के आएगी कि आप में कौन कौन सी शक्तियां हैं, योग से योग करने के बाद आप में कौन कौन सी चीजों का समावेशन होने लगा है और किसके माध्यम से आप अपने कष्टों को दूर कर पा रहे हैं और आपका दृष्टिकोण योग के संदर्भ में क्या कहता है। और जो शाखाओं है, जिन शाखाओं के माध्यम से योग का विकास हुआ है, जैसे आप मान सकते हैं पतंजलि योग कह सकते हैं उसको, या फिर बौद्ध योग कह सकते हैं, ज्ञान योग कह सकते हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी, और जैसे कि लक्ष्य की प्राप्ति आप करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए अनेक विद्याओं का प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि योग के लिए भी अनेक प्रकार की विद्याएं होती है। तो योग के लिए अनेक प्रकार की विद्याएं होने का तात्पर्य क्या हो सकता है, आप यहाँ देखिए, जैसे ज्ञान हो गया, ज्ञान योग, भक्ति योग हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं कर्म योग हो गया, राजयोग हो गया, लय योग हो गया, ये सब चीज है। जब अष्टांग हम पढ़ेंगे आसन के संदर्भ में तो उसमें ये बातें सामने आएंगी, प्राणायाम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये बातें सामने आएंगे कि आखिर योग का योग नियम कहाँ से आया, योग कहाँ से आया, नियम कहाँ से आया। तो ये जो महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने अष्टांग योग के माध्यम से यह बताने की चेष्टा की थी कि योग सूत्र में 8 अंगों की चर्चा की गई है, उसी में एक प्राणायाम आता है, योग और नियम भी आते हैं, तो ये योग और नियम आपको आगे मिलेंगे। तो इस संदर्भ में जब हम प्राणायाम पढ़ेंगे तो और चीज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उसमें आप देख सकते हैं कि योग कहने, जैसे कि आपने बताया कर्मयोग, राजयोग, लय योग, किस प्रकार से इसके दृष्टिकोणों विशेषताओं के बारे में समझा जा सकता है। पश्चात देशों में भी आप देख सकते हैं कि जो अस्तित्व है, कि आपका अस्तित्व क्या है, जब आप पढ़ेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म प्रकृतिवादी पढ़ेंगे, अस्तित्व माफी चाहता हूँ अस्तित्ववादी पढ़ेंगे तो उसमें अस्तित्व के संदर्भ में बताया गया और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है। ऐसे प्रकृतिवादी, विचारवादी, फलवादी, ये सब चीज दार्शनिक दृष्टिकोण है। दार्शनिक दृष्टिकोण के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में भी स्व के संदर्भ में, आत्मा के शुद्धिकरण के संदर्भ में भी उसके जो मूल तत्व उसको समझने का जो प्रयास है गहनता के साथ किया गया है कि योग की अवधारणाओं को किस प्रकार से भारतीय व्यवस्था में देखा जाता है, उसको कैसे अपनाया जाता है। तो विश्व स्तर पर, जैसे आपने सुना भी होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, तो विश्व स्तर पर योग की जो भाव जो व्यवस्था है आज देखने को मिल रही है और सभी योग की ओर अग्रसरित हो रहे हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतर स्वस्थ करने की चेष्टा कर रहे हैं, ताकि जो इस प्रदूषण वाली व्यवस्था में मनुष्य जीवन जीने की आदि हो चुका है उन कष्टों से कैसे दूर हो सके। उसके बाद आप देखिए कि आपने ये भी देखा है सिगमंड फ्रायड, आपने मैंने आपको पढ़ाया है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया है, जो ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रियन थे, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया था, ईगो सुपर ईगो के बारे में बताया था। तो उसमें यह भी देखने को मिलता है कि जो ईगो की भावना है, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है यहाँ पर, नीचे आइए यहाँ देखिए, को समझने के लिए गहनता से उस पर नीचे देखिए, फ्रायड के ईगो से परे समान चेतना स्तर के आगे के धरातल को इंगित करता है। तो समान ईगो की जो बात जब आती है, ईगो अहम की बात, तो जब आप एक चीज देख लीजिए इसमें, जब योग आप करते हैं तो जब बालक सांसारिक परिवेश से परस्पर अंतःक्रिया करता है, इस चीज को ध्यान सुनिए ईगो के संदर्भ में कि किस प्रकार से योग के माध्यम से समान चेतना स्तर से आप आगे बढ़ जाते हैं। जब आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप देखते हैं कि आत्मा है, आत्मा का मिलन होता है, आत्मा के बाद फिर परमात्मा का मिलन होता है। आप देख सकते हैं स्व के मिलन के बाद आप स्वयं में जब इस चीज का अभिविन्यास करते हैं तो आप उस चीज को देखते हैं, और देखने के माध्यम से आप जब देखेंगे कि समान चेतना, आपने जो चेतना का स्तर है, किस प्रकार से योग के माध्यम से उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ता जाता है, और वह एक ऐसे व्यवस्था का बात करता है जो आप में विशेषताएं पैदा करता है हर भिन्न भिन्न स्थितियों के संदर्भ में। तो अहम के संदर्भ में जब बालक सांसारिक परिवेश से अंतःक्रिया करता है तो अपनी इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति करता है, तो इसके लिए परिणाम स्वरूप क्या करता है, जीवन के प्रथम वर्ष से ही अहम का विकास होने लगता है। और जब अहम का विकास होता है तो वातावरण के अनुसार आप उसको देख सकते हैं कि कोई बालक अपनी सभी इच्छाओं को अपने ढंग से पूर्ण नहीं कर पाता है। जब अपने ढंग से पूर्ण नहीं कर पाएगा तो उसकी जो अहम, जो अपने उसके अंदर जो ईगो है, संसार की वास्तविकता के आधार पर इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु मध्यस्थ का काम करता है कि आप अपनी इच्छाओं को कैसे पूरी करेंगे, अपनी चेतनाओं की, जब चेतना की शुरुआत करते हैं, जब आप कोई काम करते हैं, आप में जब चेतना उत्पन्न होती है किसी संदर्भ में, तो जब आप योगा करेंगे तो आपका स्वतंत्र भाव से काम करने की क्षमता होगी,
तो उससे और स्वयं के संदर्भ में एक जो है मध्यस्थता का काम वहां देखने को मिलेगा, जिसके आधार पर आप में ईगो की भावना का, अहम की भावना का विन्यास देखने को मिलेगा। और यह आप समझ पाएंगे कि स्वयं के संदर्भ में योग की भावना किस प्रकार से हमारे लिए चरितार्थ हो सकती है। उसके बाद आपने पढ़ा भी था, इदम था मैंने पढ़ाया था, ईगो पढ़ाया था, सुपर ईगो पढ़ाया था, एंड सुपर ईगो डेट मीन्स नैतिक सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का विकास के संदर्भ में, और इदम के संदर्भ में था व्यक्तित्व के संदर्भ में शारीरिक मूल आवश्यकताओं इदम के अंतर्गत आती है, जैसे भूख प्यासा काम के संदर्भ में ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो यही बात यहाँ भी कही जा रही है कि ईगो के माध्यम से अपने मन चित्त वृत्तियों को शांत करना, अपने आप पर कंट्रोल करना। उसके अलावा भारतीय योग विद्या में स्व का तात्पर्य आत्मा या परम सत्ता से लिया जाता है, कि जैसे ही आप योग करते हैं तो भारतीय योग विद्या में या भारतीय इंडियन फिलोसफर इंडियन दार्शनिक क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं कि जो भारतीय विद्या है स्व का तात्पर्य आत्मा या परम सत्ता से लिया जाता है, कि स्वयं में आप किस प्रकार से चित्त वृत्ति को स्वस्थ कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कैसे स्वयं का कर सकते हैं, स्वबोध या विशुद्ध चेतना का अनुभव आप कैसे कर पाते हैं, उसके अलावा आप जो साधना करते हैं उसकी विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से अपने आप को कैसे एक स्ट्रेटजी एक प्रोग्राम के माध्यम से अपने आप को कैसे सेटल करते हुए अपने मन को शुद्ध करते हैं यानी विशुद्ध करते हैं। और आप विशुद्ध करने के बाद आपको यह समझ में आ जाता है कि मेरी चेतना क्या है, आत्मा है क्या है, आत्मा है वही जो परमात्मा है, जो पिंड है वही ब्रह्मांड ब्रह्मांड है, जो एक में है वही सर्वत्र है। यह सब चीजें योग के माध्यम से ध्यान के माध्यम से जब आप मुद्रा में आएंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा। यह अवधारणाएं इस बात को बताती है कि योग का तात्पर्य क्या है, योग की अवधारणाएं क्या है, किस प्रकार से एक पिंड में ब्रह्मांड को देखा जा सकता है, योग के माध्यम से एकत्व की भावना कैसे आ सकती है, सभी चीजों को ध्यान के माध्यम से एक करने की चेष्टा, योग के माध्यम से एक करने की चेष्टा। जब आप आसन करते हैं तो आप अपने आप को देखेंगे कि एकदम जो भी चीज शांत मन से एकाग्र चित्त मुद्रा के व्यवस्था के आधार पर आप अपने योग जब योग साधना में लीन होते हैं तो आप सारे चीज को ये कर पाते हैं, सभी चीजों को एकत्रित करते हुए उसके बारे में आप में जो क्षमता का विकास होता है, आपकी एकाग्रता के साथ एक बेहतर वास्तविक तात्परता की ओर स्पष्टता की ओर अग्रसरित होता है। उसके अलावा ये भी चीज है योग को समझने के लिए जिस प्रकार की अवधारणा है, योग को समझने के लिए व्यक्तित्व को भी जानना जरूरी होता है। तो व्यक्तित्व में क्या होता है, योग व्यक्ति के लिए होता है, योग कौन करता है, व्यक्ति करता है, और व्यक्ति जो क्या है साधक है, और साधन कौन है योग हो गया, व्यक्ति क्या है साधक और साधन उसके लिए क्या है योग, योग के माध्यम योग कौन करता है व्यक्ति करता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ योग कौन करता है व्यक्ति करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना बहुत जरूरी है, और साधक कौन है व्यक्ति है और साधन कौन है योग है। तो योग साधना हो गया, मैंने यहाँ लिख भी दिया योग साधना हो गया, योग साधना के माध्यम से व्यक्ति जो एक साधक है इसके सभी प्रक्रियाओं को पूरा करता है, और इसके माध्यम से जो व्यक्तित्व को जानने की चेष्टा करता है, जैसे शरीर हो गया व्यक्तित्व के संदर्भ में, शरीर हो गया, प्राण शक्ति हो गया, मन हो गया, इन सभी चीजों को क्या करता है विकास की रूपरेखा के रूप में तैयार करता है, शरीर का विकास करता है, प्राण शक्ति का, जैसे आप मान लीजिए प्राणायाम करते हैं तो जो स्वच्छ वायु आपके शरीर के अंदर जाती है फिर बाहर निकलती है जो गंदी वायु है, तो आप उस चीज को देख सकते हैं कि स्वच्छता के माध्यम से नाड़ी शुद्धिकरण के माध्यम से प्राणायाम आसन के माध्यम से अष्टांग योग के जो 8 विधियां हैं उसमें जो प्राणायाम देखने को मिलता है, यह योग नियम के माध्यम से आप अपने विकास की रूपरेखा, अपने स्वच्छता के विकास की रूपरेखा, अपने ध्यान व्यवस्था के विकास की रूपरेखा को आप का आकलन कर सकते हैं। आप अभी जो समय चल रहा है आपको आपके तन मन में जो छिन्न भिन्न शक्तियां एकत्रित करके आपके जो व्यक्तित्व विकास करने की व्यवस्था को देखी जा सकती है, जो आपका मन छिन्न रहता है चिड़चिड़ापन रहता है उस स्थिति में इन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए योग का विकास किया गया है। योग के माध्यम से आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, आप अपने बाधाओं को दूर कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थी जी, योगासन में जो त्रिपाद देखे जाते हैं, तीन पद देखे जाते हैं, तन मन एवं प्राण संतुलन प्रमुख होता है। तो तन और मन की संतुष्टि होती है, प्राण को संतुलित किया जाता है, जो आप वायु लेते हैं जो ऑक्सीजन शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो आप देखते हैं प्राणायाम के माध्यम से आपका प्राण संतुलन होता है, इसके माध्यम से आप अपने जो है आत्मा को संतुष्ट कर पाते हैं। उसके अलावा जब आत्मा को संतुष्ट करते हैं तो आप ईश्वरीय ज्ञान की ओर संदर्भित होते हैं, आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं योग के माध्यम से। योग के माध्यम से जो आप में स्वयं में जो संतुलन होता है, आपके तन मन और प्राण संतुलन की जो प्रमुखता देखी जा सकती है, इसके आधार पर आप अपने अपने विकास की प्रक्रिया को और तेजी से आगे की ओर ले जाते हैं। साथ ही साथ दूसरे शब्द में अगर आप इसको कहें समझ सकते हैं तो यह भी बात आती है कि तन मन प्राण का अधिकतम परिवर्धन एवं उच्चतम संतुलन नियंत्रण ही योग है। यानी अगर आप अपने आप पर तन मन और प्राण शक्ति पर अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं तो उसको योग की संज्ञा में लिया जा सकता है। योग में जो है व्यक्ति का
मन शरीर इंद्रियों आदि को आपस में समन्वित और साथ कर एक और लगाया जाता है। जैसे कि आपका मन हो गया, मन चंचल होता है, शरीर हो गया, भिन्न 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 प्रकार की, जो मैंने अभी बताया इदम, जो इदम बताया जिसमें अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है, कोई काम आप कर लेते हो, प्रकृति का नियम होता है जिसके आधार पर जो भी चीज़ है, जो भावनाएं आप में उत्पन्न होती है, अचानक भावनाएं उत्पन्न हो जाती है जिसको आप रोक नहीं पाते हैं, तो योग के माध्यम से उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसको समन्वित करते हुए उसको एक व्यवस्थित ढांचे में साध कर आपका आपके मन, आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप में जो कार्य सफलता और मोक्ष दिलाने वाले जो प्रक्रिया है पूरी तरह से आपके मन मस्तिष्क में प्रभावी होने लगती है। योगासन या यौगिक प्रक्रियाओं द्वारा शारीरिक अवयवों को सशक्त, इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है जो योगासन है, योगासन जो भी करते हैं, शीर्षासन, पद्मासन, चक्रासन, ताड़ासन, जो भी आसन है जो शरीर को पुष्ट हृष्ट पुष्ट करने के साथ मानसिक संतुलन को संयमित और नियंत्रित करता है, इस संदर्भ में यह देखने को मिलता है कि मन को एकाग्र कैसे करना है, आपकी भावनाओं को संतुलित कैसे किया जा सकता है, प्राण को अनुशासित कैसे किया जा सकता है, बुद्धि को सबल कैसे बनाया जा सकता है, अहंकार द्वेष को कैसे दूर किया जा सकता है, ये सब योग के माध्यम से होता है। योग की अवधारणा और तात्पर्य के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक साध्य जो प्राप्त करने वाला है, जो सहजता से किसी चीज को प्राप्त करता है, एक साधन योग के माध्यम से, योग के माध्यम से जो साधन से जो साधक होता है, व्यक्ति होता है, किस प्रकार अपने सभी ज्ञानेन्द्रियों को अपने वश में करते हुए इदम की भावना को खत्म करता है, नियंत्रित करता है, माफी चाहता हूँ, उसके अलावा अहम की भावना को मध्यस्थता के साथ देखता है, उसके अलावा पराअहम यानी सुपर ईगो को अपने नैतिक विस्तार के संदर्भ में तीनों को एक साथ परिमार्जित करता है। तो ये विद्यार्थी जी आपकी जो है योग के तात्पर्य या योग की अवधारणा के संदर्भ में ये बातें सामने आई है। तो कुछ देखिए एक चीज और है योग के संदर्भ में, महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है, सबसे पुराने वही है, उन्होंने ही योग विद्या के संदर्भ में बहुत सारे नियमों उपनियमों को का विस्तार किया है जो आज हमारे इस आधुनिक युग में देखने को मिलता है। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार क्या, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है, यानी चित्त की वृत्तियां, मन की वृत्तियां जो भी है उसको पूरी तरह से, जो आप में अवरोध है उस अवरोधों को दूर करते हुए पूरी तरह स्वच्छ करने की प्रक्रिया, महर्षि पतंजलि ने कहा चित्त की वृत्तियों को स्वस्थ करना, नियंत्रित करना ही योग है, निरोध करना ही योग है। यानी बिना किसी कष्ट का, बिना किसी जो भी आपके अंदर मैला है सभी मैला को निकाल देने के बाद आपका जो मन में स्वस्थता पैदा होती है, जो चित्त की वृत्ति होती है, वृत्तियां जो आपके अंदर है, मन की चंचलता को सबको संतुलित करते हुए उसको पूरी तरह से स्वस्थ करना ही क्या है, योग कहलाता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार भागवत गीता में भी कहा गया है योग कष्टों दुखों से मुक्ति की स्थिति है, यानी योग के माध्यम से आपके कष्ट दूर होते हैं, दुख दूर होते हैं, उसके अलावा आपका मन जो है चंचल पूरी तरह से एकाग्र गंभीर हो जाता है, हर चीज़ों को आप बहुत तेजी से सीखते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति अगर आज के समय में योग करता है तो आप उसके देख लीजिए, उसके चेहरे का स्मार्टनेस, उसका आईक्यू लेवल, उसके ध्यान करने की शक्ति, तुरंत एकाग्रता के साथ सक्षमता के साथ किसी प्रश्न को हल करने की क्षमता, आप उसको आकलन कर सकते हैं। आपको पता चलेगा योग के माध्यम से कितनी चीजें सामने आती है और जो आपको बेहतर से बेहतर बनाता है, स्पष्ट करता है, स्वीकारात्मकता की ओर ले जाता है, आप में जो कोई भी अगर चीज सोचने समझने का और एक जो आंकड़ा तैयार करने की क्षमता है उसका विस्तार तात्क्षणिक रूप से हो जाता है। उसके अलावा यह भी कहा गया है योगाभ्यास मन को स्थिर करता है, मैंने भी बोला है मन जो क्या होता है चंचल होता है, योग के अभ्यास के माध्यम से मन को स्थिर किया जाता है, शांत किया जाता है, जिससे व्यक्ति स्वयं अपना निरीक्षण करता है, स्वयं में आप क्या करते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं मैं जब योग कर रहा हूं तब से कितना गंभीर और शांत हो गया हूँ। इन सभी चीजों को करने के बाद स्वयं वह पुलकित होता है, यानी आनंदित होता है, खुश होता है, जिसके माध्यम से वह समझ पाता है कि योग के माध्यम से मनुष्य का जो स्थिति है पहले की अपेक्षा वह पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करता है, मन चंचलता को दूर करते हुए गंभीर अवस्था में अपने आप को गंभीर बनाते हुए शांत मुद्रा में एकाग्रता के साथ हर चीज को सोचता और समझता है, और इन सभी भावनाओं का जब विकास होता है तो वह अपने आप में प्रसन्नचित हो जाता है। उसके बाद प्रोफेसर राम हर्ष सिंह ने क्या कहा था इस संदर्भ में, उन्होंने कहा योग का अर्थ मनुष्य के व्यक्तित्व के, ध्यान से सुनिए, योग का अर्थ मनुष्य के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षों का एकीकरण है। यानी जब आप योग करते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व है, यानी मैंने भी बताया शरीर, मन, प्राण, शक्ति, तीनों का जब संतुलन आप करते हैं, जो गुहिया वगैरह है उस सब का शरीर के अंदर जो होता है उस सब चीजों का जब आप संतुलन करते हैं, जब योग करते हैं, तो आपके व्यक्तित्व का शारीरिक पक्ष जो है, यानी शरीर हृष्ट पुष्ट तो होता ही है, मानसिक जो है सोचने समझने की क्षमता आपकी बढ़ती है, बौद्धिकता आप में आती है, ज्ञान बोध का विस्तार होता है, आध्यात्मिक पक्ष यानी ईश्वरीय ज्ञान के संदर्भ में जो स्पिरिचुअलिज्म है, जो ईश्वरीय जो आत्मा को परमात्मा को मिलाने के संदर्भ में जो यह कारक मन है, जो आत्मा है स्वयं के संदर्भ में किस प्रकार से अपने कारक मन यानी आत्मा को आप नियंत्रित करते हैं, इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, उसके द्वारा इन सभी चीजों को योग के माध्यम से समन्वय किया जाता है, समन्वित किया जाता है, सभी को एक रूप में सभी पक्षों को एकीकृत करते हुए अब उसके द्वारा समन्वय की प्रक्रिया की जाती है, जो आपके मन मस्तिष्क को पूरी तरह से संतुलित करता है और आप में एक बेहतर चेतना की शुरुआत करता है, जो आपके लिए पूरी तरह से आपकी विकास की रूपरेखा को
चरितार्थ करता है। तो प्रोफेसर रामहर्षण ने यह कहा था। उसके बाद कहा है डॉक्टर राधाकृष्णन, आप नाम सुना ही होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने यह बात कही कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित करना और बढ़ाना ही योग कहलाता है। यानी आध्यात्मिक शक्ति ईश्वरीय ज्ञान के संदर्भ में, उसके अलावा अपने कारक मन को स्थिर करने के संदर्भ में, आत्मा को स्थिर करने के संदर्भ में, इंद्रियों को स्थिर करने के संदर्भ में, उसके अलावा इदम अहम और पराअहम को व्यवस्थित करने के संदर्भ में, इन सभी चीजों को जो शक्तियां हैं, मन शरीर और प्राण शक्ति, तीनों चीजों को क्या किया जाता है, पूरी तरह से एक जगह एकत्रित करते हुए उनसे उन्हें संतुलित करना, और उस संतुलन के बाद से उसकी जो विकास की स्थिति है उसको बढ़ाना ही डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार योग की परिभाषा को परिभाषित करता है। तो विद्यार्थी जी आपके क्या थे, योग की परिभाषा, योग की परिभाषा, योग की अवधारणाएं, और इसके माध्यम से अब आगे चलते हैं योग की विशेषताएं क्या है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए विद्यार्थी जी यहाँ सामने क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योगा, यानी जब आप इसकी अवधारणा को पढ़ लिए तो इसकी विशेषताएं क्या है, और आज के इस आधुनिक विचारधाराओं के संदर्भ में किस प्रकार से यह प्रासंगिक है, और किस प्रकार से यह जो साधन है एक साधक के लिए साध्य का काम कैसे कर सकता है, इस चीज को देखना बहुत ही जरूरी है। मैन आपने सुना भी होगा साध्य का साधन, साध्य का साधन कौन है, आप साध्य हो गए, आप जब साध्य हो गए तो आप कोई चीज अगर आपको पूर्ति प्राप्त करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, साधन का इस्तेमाल करेंगे। तो साधन क्या है, योग है, और योग जो है आपको जब आप उस साधन का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक साधक हो जाएंगे, और साधक जब हो जाएंगे तो साध्य की प्राप्ति होगी, यानी जिसकी चीज की आप प्राप्ति करना चाहते हैं। तो साध्य साधक और साधन, इन साधन योग हो गया, साधक व्यक्ति हो गया, और साध्य जिसे प्राप्त करना है, अचीवेबल। तो जो चीज सामने आती है आज के इस आधुनिक युग में, जो वेस्टर्न कल्चर से जो हमें मिले हैं, आज अभी आप देख लीजिए प्रासंगिक संदर्भ में जो COVID-19 कैसे फैला हुआ है, कैसे लोग योग के माध्यम से, विभिन्न आसनों के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से, जो अपने यम नियम के माध्यम से किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ करने पर लगे हैं, ताकि जो COVID-19 का प्रभाव मेरे जो क्या कहते हैं मन मस्तिष्क को पूरी तरह से जो बाधा पहुंचाता है, या फिर जो कारक है, जिस कारक के आधार पर आपके जो श्वसन नली है पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है, उन चीजों को दूर करने का प्रयास करता है। तो आप अब देखिए करेक्टरिस्टिक ऑफ योगा क्या कहता है। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ योगा में आप देख सकते हैं कि योगा की विशेषताएं क्या है। तो आप आस्था चैनल पर हमेशा अगर देखते होंगे तो आपकी विशेषताओं के बारे में जानने का मौका भी मिला होगा, और साथ ही साथ जो योग की विशेषताएं हैं, जैसे कि आज के समय में जो देह व्यायाम है, उसके अलावा जो आप देह जड़ता मुक्ति अभ्यास भी आप उसको बोल सकते हैं, देह जड़ता मुक्ति अभ्यास, यानी जो भी आपके शरीर में जो भी कष्ट वगैरह हैं उसको मुक्त करने का अभ्यास करना, तो उसको भी योगा के संदर्भ में लिया जा सकता है। जैसे आप आज के समय में देख भी सकते हैं योगा अपने शरीर को फिट करने के लिए लोग पैदल चलते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, तैरते हैं, एरोबिक्स करते हैं, डेट मीन्स ऑक्सीजन का क्या करता है, ऑक्सीजन और परिपोषक को लयबद्ध व्यायाम कहते हैं। एरोबिक्स को ऑक्सीजन परिपोषक लयबद्ध व्यायाम, यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, उसको एरोबिक्स बोलते हैं। उसके भारोत्तोलन करते हैं, उसके अलावा पर्वतारोहण करते हैं, उसके अलावा जो योग प्रतिक्रियाएं हैं, तन मन प्राण को एक सूत्र में करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब है योग, जो है अपने आप को परफेक्ट बनाने का है, अपने आप को फिट करने का योग तरीका है, अपने आप को सुंदर बनाने का, अपने इंद्रियों को वश करने का योग तरीका है। इन सब की चीजों के माध्यम से आप अपने आप को एकाग्रता की ओर ले जा सकते हैं। तो जो यहाँ योग की जो विशेषताएं है वो क्या, योग द्वारा मन की चंचलता पर अंकुश लगाया जा सकता है। मैंने बताया अभी कि मन को क्या होता है, चंचल होता है, उसके माध्यम से उसको अंकुश लगाया जा सकता है। योग मोक्ष प्राप्ति करने का साधन है, योग के माध्यम से आप क्या ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने आप को कैवल्य निर्माण महापरिवार की ओर ले जा सकते हैं। आपने देखा जैसे बौद्ध दर्शन में देखा, जैन दर्शन में, योग दर्शन में, आपने बौद्ध दर्शन में पढ़ा भी होगा कि किस प्रकार से बौद्ध दर्शन में योग के बारे में बताया गया है, केवल जो ज्ञान की प्राप्ति है कैसे हो पाती है, उसके अलावा वो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो ज्ञान का जो है सारनाथ में, पाटलिपुत्र में कैसे ज्ञान अपने संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में ज्ञान देते हैं, उसके अलावा उनका मरी महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति कैसी होती है, वो कैसे मृत्यु की सैया पर ले जाते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, योग शक्ति अर्जित करने का साधन। अगर आप योग करते हैं तो आपकी जो शारीरिक शक्ति है हृष्ट पुष्ट तो होता ही है, साथ ही साथ भिन्न भिन्न स्थितियों में समस्या के समाधान करने की क्षमता की योग्यता का विकास आप में बहुत ही तीव्र गति से होता है। जैसे अगर आप कोई आप रीजनिंग बना रहे हैं और उसमें अगर आप
सर आवाज नहीं आ रहा। सर क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, बोलिए कोई। लग रहा है आप सभी को आवाज नहीं आ रही है। जी सर आ रही है सर। चलिए हाँ, तो अब देखिए अब क्या है। तो उसके अलावा आप देख सकते हैं योग द्वारा व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति का बोध होता है। शेयरिंग हो रहा है ना विद्यार्थी जी, शेयरिंग तो आप देख पा रहे हैं ना। बोलिए कोई भी। यस सर। हाँ चलिए चलिए क्लास, हाँ चलिए अब देखते रहिए ध्यान से, क्योंकि 32 मिनट हो चुका है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं योग द्वारा व्यक्ति की अपनी आंतरिक शक्ति का अवध होता है। आपके अंदर अंतर्निहित शक्तियाँ क्या क्या है, आपके अंदर में कौन कौन सी शक्तियाँ जो छिपी हुई है, योग के माध्यम से आप उसको बाहर निकाल पाते हैं। आप में मैंने आपको देखा है कि योग के माध्यम से आपकी जो व्यवस्था है पहले की अपेक्षा पूरी तरह से बदल जाती है। आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, आप में गंभीरता आ जाती है, आप में एकाग्रता आ जाती है, किसी चीज़ को सोचने संबंधी की क्षमता का विकास हो जाता है। उसके अलावा आप में ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, और उसके अलावा आप जो है पूरी तरह से सद्व्यवहारी हो जाते हैं, विवेकशील हो जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है योग के माध्यम से ही आती है। योग क्या होता है, मनुष्य की इच्छा शक्ति और मन को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। आपकी जो इच्छा शक्ति मैंने अभी बताया, इदम अहम और पराहम, यानी ईगो, उसके अलावा पहला क्या था, इदम था, दूसरा ईगो था और सुपर ईगो था। इन सब चीजों के माध्यम से, योग के माध्यम से ही संभव होता है। उसके अलावा योग में हमें क्या होता है, आध्यात्मिक एकत्व की भावना का विकास होता है ईश्वरीय ज्ञान के संदर्भ में। उसके अलावा कारक मन आत्मा परमात्मा के मिलन के संदर्भ में, उसके अलावा जो एक आपके अंदर जो एक निहित आत्मा आत्मा के संदर्भ में, जो आपके अंदर एक जो प्रब्रह्मा के संदर्भ में देखा जाता है, जैसे कि जो पिंड है वही ब्रह्मांड है, इस संदर्भ में आपकी भाव अपने भावनाओं का विकास हो जाता है, आध्यात्मिक एकत्व के रूप में देखा जा सकता है। तो यह क्या है, योग की विशेषताएं हैं। यानी योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति, एकाग्रता, मार्ग बेहतर से बेहतर मार्ग प्रशस्त होता है आपका। उसके अलावा आपकी इच्छा शक्ति मन को नियंत्रित करने में आपकी सहायता करता है, आध्यात्मिक एकत्व की भावना का विकास करता है। तो यह योग की विशेषताएं हैं। अब चलिए योग के महत्व को देखते हैं, विद्यालय स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर योग का क्या महत्व है। विद्यार्थी जी देखिए कि योग जो है अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करता है आपको। योग जब आप करते हैं तो आप पूरी तरह से डिसिप्लिन में रहते हैं, किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं करते हैं। आपका मन चंचल होगा ही नहीं तो आप हरकत कैसे करेंगे, अराजकता कैसे फैलाएंगे। इसलिए योग के माध्यम से अनुशासन, योग जो है आपको अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करता है। आज के युग में योग का महत्व बहुत ही ज्यादा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने आप को संतुलित कर पाता है, एकाग्रचित कर पाता है, चित्त वृत्ति को स्वस्थ कर पाता है, अपने वृत्तियों को, अपने जो उसके अंदर जो भी कष्ट की स्थिति है उस कष्टों को दूर कर पाता है। और बहुत सारे कष्ट ऐसे हैं जो असाधारण बीमारियां हैं उसको भी दूर करने में सक्षमता हासिल कर पाता है। तो वर्तमान युग में क्या है, लोग आज मानसिक दबाव से, जिस प्रकार COVID-19 फैला हुआ है उसके माध्यम से लोग मानसिक दबाव में जी रहे हैं, आर्थिक दबाव में जी रहे हैं, उसके अलावा सामाजिक दबाव भी उन पर बढ़ता जा रहा है। मनुष्य का मन जो है जिद्दी बनता जा रहा है, चिड़चिड़ापन होते जा रहा है, तो वो सब उसके जीवन का एक अंग बन गया है। इस स्थिति को दूर करने के लिए योग का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। जो भी वेस्टर्न कल्चर से हमें मानसिक बीमारियां प्राप्त हुई है, उसके अलावा पाश्चात्य सभ्यता के कारण हमारे समाज में बहुत सी बीमारियां फैल रही है, इन सब चीज़ों को एक ही दवा आपके सामने प्रस्तुत की जा सकती है, वह है योग का अभ्यास करना। भौतिक जो भौतिकवादी जीवन है, जिस जीवन में आप जी रहे हैं, वैज्ञानिक आपके भौतिकवादी जीवन को सुंदर बनाने के लिए नित नए नए कारनामों को कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर रहा है सुंदर बनाने के संदर्भ में। इस भागदौड़ वाली जिंदगी में जो जीवन आपका जो जीवन और मूल्य है पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं। इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और आपकी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं पूरी तरह से घट रही है, आप में मानसिक असंतुलन पैदा हो रहा है, इन सभी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए और समाज में एक एकाग्रता के साथ देखने के लिए योग का होना बहुत जरूरी है। योग के अभ्यास के माध्यम से इन सभी चीज़ों को, अपने मानसिक दबाव, सामाजिक दबाव, आर्थिक दबाव, मन का चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन का स्वभाव, इन सभी चीज़ों को आप दूर कर सकते हैं। अब देखिए विद्यालय स्तर पर योग का क्या महत्व देखा जा सकता है। तो आप एक चीज़ देखिए विद्यार्थी जी,
जीवन के किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल अगर आपको करना होता है तो आप क्या करते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से अगर आप संतुलित हैं तभी आप किसी चीज को कोई काम कर सकते हैं, चाहे वो पारा आपको एथलीट में जाना हो या दौड़ में जाना हो या किसी भी गेम्स में जाना हो या फिर किसी भी क्विज टेस्ट में जाना हो। तो आप देखिए उस सभी चीज़ों में जाने के लिए क्या होता है, शारीरिक और मानसिक संतुलन होना जरूरी है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपको आर्मी की बहाली में अभी कोई बच्चे जाते हैं तो उसको पूरी तरह से फिट जब तक नहीं होता है तब तक उसकी बहाली नहीं की जाती, उसका रिक्रूटमेंट नहीं की जाती, उसका रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि अपने आप को पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित बैलेंस करते हुए इन सभी कामों को करना। तो किसके माध्यम से संभव हो पाता है, योग के माध्यम से। वर्तमान युग में पढ़ाई के तौर तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं, जैसे आप अभी ऑनलाइन लाइव कर रहे हैं तो इसके माध्यम से जो आप ईयरफोन का यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से जो ग्रेंस आते हैं जो भी चीज़ें या फिर जो फ्रीक्वेंसी आती है वेवलेंथ होता है मोबाइल का एक जो एक रेंस निकलता है उसके माध्यम से यह देखने को मिलता है कि आपके मन मस्तिष्क पर अलग प्रभाव पड़ता है, हो सकता है बहरापन आ जाए, हो सकता है फिर मोबाइल ज़्यादा देर तक यूज करते हो तो आप में अंधापन आ जाए। तो इन सब चीज़ों को आप देखने के लिए योग का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा पढ़ाई के अतिरिक्त आप में कौशलता के विकास के लिए शिक्षा भी आवश्यकता है, तो कौशलता के विकास के लिए शिक्षा के विभिन्न पैमानों को अगर आप दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसके लिए योग का अभ्यास जरूरी है। पर्यावरण प्रदूषण को आप देख लीजिए, आंतरिक विचारों की मलिनता, हमारी जो भी चीज़ें हैं जो श्रेष्ठ जीवन है उस सभी को नष्ट भ्रष्ट कौन कर रहा है, या प्रदूषण के माध्यम से हो रहा है, आज की जीवन शैली के बदलाव के माध्यम से देखा जा सकता है। उसके अलावा यह भी देखने को मिलता है कि जो हमारी जो प्रदत्त जीवन शैली है उसमें किस प्रकार से बाधक विभिन्न बाधाएं आ गई है, इन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए योग का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। विद्यालय स्तर से ही अगर योग को सिखाया जाता है, जैसे आपके महाविद्यालय में डॉक्टर सुरेश सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में आपने देखा था योग का एक शिविर चला था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया था, पता नहीं आप वहाँ उसमें भाग लिए थे कि नहीं, लेकिन मैं उसमें था, मैंने उसको देखा था और बहुत ही बेहतर ढंग से प्राणायाम कम कपाल भाती अनुलोम विलोम उसके अलावा शीर्षासन चक्रासन बहुत सारे आसनों को बताया उन्होंने, जो हमारे योग शिक्षक थे जिन्होंने योग के बारे में शिक्षा प्रदान की हमें, बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि प्राण वायु को कैसे आप अपने अंदर समाहित करते हुए अपने जीवन की चंचलता को दूर कर सकते हैं, आप अपने आप में स्वयं में एकाग्रता कैसे ला सकते हैं, आप अपने पेट जो है पेट की आपकी जो अंतरिया है कैसे साफ सुथरा स्वच्छ रह सकती है, तो इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी और उसका ऐड वगैरह भी बहुत सारे आया था, आप इसको जाकर देख भी सकते हैं फेसबुक पर, डॉक्टर सुरेश सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के फेसबुक पर आप देख भी सकते हैं बहुत सारे फोटोज वहाँ पर डाले गए हैं योग से संबंधित। उस समय जब योग हुआ था योग शिक्षा के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान की गई थी। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण है, आंतरिक विचारों की मलिनता, ये सब क्या करती है, हमारे जीवन शैली को नष्ट भ्रष्ट करती है। इसके लिए हमें योग द्वारा प्रदत्त जीवन शैली को अपनाना ही श्रेष्ठकर साबित हो सकता है और श्रेष्ठकर साबित होगा। यम नियम के माध्यम से, यम नियम अभी हम आगे पढ़ेंगे, अष्टांग प्राणायाम पढ़ेंगे तो उसमें यम नियम आएगा। यम नियम जो है अष्टांग का ही एक भाग है, अष्टांग का ही भाग है आसन के संदर्भ में, महर्षि पतंजलि ने इसके संदर्भ में बताया था। तो यम नियम के माध्यम से हम पुराने शाश्वत जीवन मूल्यों को अपनाकर, जो शाश्वत मूल्य किस प्रकार से जीवन को स्वस्थ रखना स्वच्छ रखना उस संदर्भ में अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आसनों से, आसन जब आप करेंगे चाहे वह शीर्षासन हो, चक्रासन हो, पद्मासन हो, ताड़ासन हो या फिर कोई भी आसन हो, तो अगर आप सूर्य नमस्कार हो कोई भी अगर आप आसन करते हैं तो उससे आपके उसके माध्यम से आसनों के माध्यम से आप में दृढ़ता आती है। उसके अलावा आप में शक्ति का विकास होता है। अब प्राणायाम से, अभी मैंने बताया प्राणायाम से नाड़ी चक्र की शुद्धि होती है, जैसे आप स्वस्थ वायु लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उससे आपके नाड़ी चक्र की शुद्धि होती है, आप में प्रसन्नता का भाव झलकने लगता है, प्रसन्न मुद्रा में आप आ जाते हैं योग के बाद से। तो इसलिए विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है और प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षा प्रदान की जाती है तो उसमें योग का जो एक फिजिकल एजुकेशन में योग का एक जो चैप्टर होता है उसको भली भांति समझना और विद्यालय स्तर पर प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को पूरी तरह से इसके बारे में शिक्षा प्रदान करना कि बदलती जीवन शैली में अपने आप को अपने जीवन को कैसे स्वच्छ बनाया जा सके, अपने जीवन को कष्टों से कैसे दूर किया जा सके और पर्यावरण जो जिस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है प्रदूषण में अपने आप को अपने जीवन शैली में बदलाव करते हुए योगाभ्यास के माध्यम से अपने जीवन को सफल कैसे बनाया जा सकता है, उस किस प्रकार से आप अपने मानसिक संतुलन को व्यवस्थित कर पाते हैं। उसके अलावा विद्यार्थी जीवन में जो ब्रह्मचर्य का जीवन देखा जा सकता है विशेष महत्व होता है, उसमें योग के माध्यम से आप अपने आप को कैसे स्थिर बना सकते हैं, एकाग्रचित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं योग न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि मानसिक रूप से भी आपको वह तैयार करता है आज की बदलती जीवन शैली में अपने आप को ढालने के संदर्भ में, आपको बलिष्ठ बनाता है। उसके अलावा आपको मानसिक रूप से पढ़ाई लिखाई करने के लिए तैयार करता है। तो यह देखा जा सकता है कि विद्यार्थियों में योगासनों के द्वारा शारीरिक दृढ़ता आती है, प्राणायाम के माध्यम से आपका शरीर हल्का हो जाता है। अब जब प्राणायाम करेंगे तो आप इसका महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसके बाद आप देखेंगे 10 मिनट बाद आपका शरीर कुछ हल्का महसूस होगा, अजब टाइप के शरीर के अंदर जो है ना हलचले पैदा हो जाएगी।
उसके अलावा आपका जो है मन जो है संयमित रहेगा, मन चंचल नहीं रहेगा, एकाग्रचित रहेगा, आप अपने इंद्रियों को वश में कर पाएंगे। उसके अलावा संकुचित विचार जो है, जो भी विचार गलत आते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए विद्यार्थी को लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए, अपने उन्नति के लिए योग का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी होता है। जो आज इस बदलती जीवन शैली में, इस परिवेश में, जिस प्रकार से वो आपके ऊपर खड़ा है, आपके आपको आपके हर चीज में, हर काम में बाधा पैदा करता है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपका आपके मन मस्तिष्क को स्वस्थ शुद्ध और स्वच्छ किया जाए। इसके लिए योग का अभ्यास प्राइमरी लेवल से ही, विद्यालय लेवल से ही, स्कूली स्तर से ही, उस प्राथमिक स्तर से ही उन सब चीज़ों का विकास बच्चों में किया जा सके, ताकि बच्चे बड़े होकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने विकास की रूपरेखा को तैयार करने के लिए योग अभ्यास के माध्यम से अपने जीवन शैली को बदलते हुए, गंभीर, एकाग्रचित और ध्यान मुद्रा में अपने सभी जीवन के पद्धतियों को सुनिश्चित करते हुए उसका विकास कर सके और अपने आप को एक योग नागरिक के रूप में समाज राष्ट्र के सामने प्रदर्शित कर सके। तो विद्यार्थी जी, ये आपका योग का चैप्टर था, कॉन्सेप्ट ऑफ योगा। उसके अलावा प्राइमरी लेवल पर इसके क्या महत्व थे, यह टॉपिक था आपका, यह खत्म हो गया। मैं आपके पास आ रहा हूँ, चलिए मैं आपके पास आता हूँ। चलिए विद्यार्थी जी, हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? 10:42:47 हो चुके हैं, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। ये जो विद्यार्थी जी आपका चैप्टर है, जो सिलेबस है, आप सिलेबस को ध्यान में रखेंगे, S5 का है, Unit 3 का टॉपिक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी? हाँ, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। हाँ, तो योगा आपको पढ़ना है, योगा आपका उस S5 में फिजिकल एजुकेशन में योग के बारे में दिया गया है, और फिर अगली कक्षाओं में जो भी अगला कक्षा होगा प्राणायाम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। प्राणायाम क्या है, किस प्रकार से नाड़ी का शुद्धिकरण किया जा सकता है, तो ये सब चीजों के लिए बहुत ही जरूरी है कि ये सब चीज आपके आपके ज्ञान को बढ़ा सकता है और ज्ञान के माध्यम से आप अपने सभी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। और कुछ कोई किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं विद्यार्थी जी, पूछिए। और एक और बात, जो भी चीज मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी चीज मैं यहाँ शेयर करता हूँ आप सबको लिख लेंगे, क्लास खत्म होने के बाद आप सभी क्लास जी सर लिखते हैं हम लोग। हाँ, उसको लिख लीजिएगा तो इससे आपको फायदा होगा। स्क्रीनशॉट कब तक आप रखेंगे? उसको आप लिख लेंगे तो आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा, हो सकता है वो आपको काम पूरी तरह से दे ही रहा है, हो सकता है और किसी को भी और काम दे दे। तो भविष्य के योजनाओं को समझते हुए और अपने ज्ञान को प्रसिद्धि की ओर ले जाने के लिए जरूरी है कि इन सब चीजों का रिकॉर्ड अपने पास रखना और अपने ज्ञान की वृद्धि के संदर्भ में। तो ये सब चीजें हैं, जब नोट्स तैयार होता है तो उसमें भिन्न भिन्न पहलुओं को डाला जाता है। तो ये जो पश्चिमी सभ्यता है, जो COVID-19 वगैरह है, जो भी आज हमारे समाज में विश्व स्तर पर जो पैंडेमिक सिचुएशन देखने को मिल रहा है, इन सभी चीजों में योग की जो अवधारणा है पूरी तरह से प्रबलता के साथ समाज में, राष्ट्र स्तर पर देखने को मिल रही है। और आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है, इसकी इसी महत्ता के कारण 21 जून को यह मनाया जाता है कि योग की जो अवधारणाएं है, महर्षि पतंजलि ने जो योग के नियम और उपनियम बनाए हैं, जिसके आलोक में सभी चीजों क्या बोल रहे हैं सर, योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून यस 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 21 जून को मनाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में इसको व्यवस्थित किया गया, इसके टाइम टेबल को प्राइम मिनिस्टर मोदी के समय से ही, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। तो इसके आधार पर ही पूरी दुनिया को, पूरे विश्व स्तर पर योग का जो है, योग के विभिन्न पहलुओं को समझा जा रहा है और उसको एक मानक मानते हुए देश दुनिया को स्वस्थ करने के तरीकों का विकास किया जा रहा है। जैसे आपने देखा भी, रामदेव बाबा का जो आस्था चैनल पे जो न्यूज आता है, इसमें योग साधना के माध्यम से सभी को स्वस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी असाधारण बीमारियां हैं, जो लाइलाज है, जिसको कोई इलाज नहीं, योग के माध्यम से उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो आपने उनको देखा भी होगा, समझा भी होगा, जो भी प्राणायाम हो गया, कपाल भाति हो गया, शीर्षासन हो गया, पद्मासन हो गया, चक्रासन हो गया, ताड़ासन हो गया, इन सभी चीजों, ये सभी आसन जो है योग के एक अष्टांग योग के एक अंतर्गत आते हैं। अष्टांग योग जब आप पढ़ेंगे तो उस संदर्भ में आपको समझ में आ जाएगा। प्राणायाम पढ़ेंगे तो उसमें मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा कर दूंगा, क्योंकि बहुत कुछ ज्यादा इसमें आपको नहीं पढ़ना है, बस ज्ञान लेना है योग क्या है, योग की अवधारणा क्या है, योग की विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से आपके लिए प्रासंगिक है और इसके आलोक में आप अपने जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं, विकसित कैसे कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ पूछना चाहते हैं कोई भी सज्जन, तो आप पूछ सकते हैं। 45:51 हो चुका है, पूछिए, कोई कुछ पूछना चाहते हैं?